नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं दीप्सी ग्रोवर दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा के तनावपूर्ण दिनों में योग हमारी किस तरह सहायता करता है, क्योंकि आप स्वयं योग करते हैं, हम विद्यार्थियों के लिए कुछ आसन बताएं। धन्यवाद। माननीय टाइम्स नाउ टीवी चैनल के जरिए सारिका माकन ने आपसे पूछा है कि आई एम इन क्लास 12 विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, काइंडली एडवाइज सम पर्टिकुलर योगा आसनास विच कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। आई हैव ऑल्सो रेड योर बुक एग्जाम वॉरियर्स। आई थिंक इट शेयर्स सम ग्रेट टिप्स विच हेल्प स्टूडेंट्स टू डील विद एग्जाम साइकोलॉजिकली। कृपया इन सवालों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। मैं भावना जलाल, केंद्रीय विद्यालय IIP देहरादून की छात्रा, आपसे पूछना चाहती हूँ कि तथ्यों के मूल्यांकन के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि 20% सफलता इंटेलिजेंस क्वेश्चन के कारण और 80% सफलता इमोशनल क्वेश्चन के कारण मिलती है, परंतु हम विद्यार्थी EQ को कहीं ना कहीं भूल कर IQ को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। अतः महोदय, आपसे यह गुजारिश है कि आप हमें EQ और IQ में समान रूप से संतुलन कैसे बैठाएं मैं सलाह दें, ताकि आगे आने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं और जीवन में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद। एक ऐसा सवाल है जो सीधा एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन IQ और EQ ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को पूछोगे कि IQ क्या है, EQ क्या है, नहीं बोले वो इंटेलिजेंट है IQ, EQ क्या, तो यार सुना है, होगा कुछ इमोशनल विमोशनल कुछ चलता है। मैं बड़ी सरल रीत से बताता हूं आपको। एक तो ये बताया जाता है कि IQ का खिलने का जो सबसे बड़ा अवसर होता है, जो विज्ञान से संबंधित लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के पहले ही ये सब ऑलरेडी पनपना हो जाता है, बाद में तो उसका प्रगतिकरण होता है। कोई बालक अपनी माँ उसको झूले में सुला करके गई है और उसको सुला करके उस झूले के ऊपर एक घुंघरू बंधा हुआ है और माँ ऐसे थप मार करके जाती है, उसमें से घुंघरू की आवाज़ आती है, तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है। 2 महीने 3 महीने 5 महीने का बच्चा होगा, वो देखता है कि माँ ने ऐसा किया तो घुंघरू की आवाज़ आई। अब माँ तो अपने काम में लग गई, लेकिन वो अपने पैर ऊपर कर करके उस तक पहुँचने की कोशिश करता है ताकि घुंघरू बच जाए। दैट इज IQ। समझ आया? उस बच्चे ने, 3 महीने बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उस घुंघरू, उसने कोशिश करता है, सोए सोए पैर मार के ऊपर ऊपर कोशिश करता रहेगा और रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उसी में वो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ने ऐसा किया था, घुंघरू की आवाज आई थी जो अच्छी लगी थी, वो उसी को करता रहता। वो हो गया IQ। अब मान लीजिए माँ को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत ही अच्छा गाना गाने वाला CD हो, वो झूले के पास लगा दें ताकि वो गीत बजेगा तो बच्चा सो जाएगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया गायिका हो, बढ़िया से बढ़िया शब्द हो, बढ़िया से बढ़िया संगीत हो, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है, लेकिन माँ तुरंत किचन से दौड़ के आती है, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करती है और खुद अपनी फटी आवाज़ से ऐसे ही गाना शुरू करती है, बच्चा सो जाता है। ये है EQ। ये जो उसके इमोशंस हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, लहजा नहीं, सुर नहीं, स्वर नहीं, कुछ नहीं, जो इमोशंस कनेक्ट है, और इसलिए IQ और EQ दोनों का जिंदगी में संतुलित विकास अनिवार्य है।
और ये भी सही है कि ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ईक्यू इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ईक्यू से आती है। अब ये ईक्यू कैसे बढ़ता है? अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भाई, किसी ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं, लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था, मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया, उसकी जिंदगी बन गई, मेरा आईक्यू ईक्यू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल बॉन्डिंग था। हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो बच्चों को आग्रह करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ ऑर्फनेज में जाके आओगे, या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के आओगे, या किसी अस्पताल जाकर के आओगे, लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदिन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर के आए हो। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को आदत डाली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? उसने कहा, साहब मैं तो उसके आईक्यू के लिए क्लास में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन उसका इमोशनल बॉन्डिंग, उसकी संवेदनाओं का विस्तार होना जरूरी है, और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूँ। मैं उसको जहाँ दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूँ, और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसकी सारी मनस्थिति स्वकेंद्रित होती है, और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसके सबसे जागृत अवस्था है, उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं, कभी उनको पूछें तो, हमने कभी हमारे यहां जो अखबार डालने के लिए आता होगा ना, कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा, दो दिन नहीं आए तो कभी नहीं पूछा होगा, अरे भाई तुम बीमार तो नहीं थे, क्या हो गया? कभी एग्जाम हुई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा, अच्छा आपके बच्चों में भी एग्जाम होती होगी, कैसे करते हैं आप? नहीं पूछा होगा। दूध देने वाला घर में दूध बेचने वाला जो सुबह दूध देने आता है, हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है, हम 20-22-25 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हमारे में से किसी को उस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा, इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई, ड्राइवर अंकल। कभी पूछा कि आप यहां कैसे आए, बच्चे क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आपका खुद का सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम समाज के इन लोगों से जितने संपर्क में आते हैं, इतना हमारा ईक्यू बहुत ही शार्पन हो जाता है, बहुत शार्पन हो जाता है, जो हमारी जिंदगी के एक सेंस ऑफ मिशन, जिसको कहें सेंस ऑफ मिशन, को बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आईक्यू सक्सेस दे सकता है, लेकिन सेंस ऑफ मिशन देने में ईक्यू बहुत बड़ा रोल करता है। और हमने, अभिभावकों ने, टीचर्स ने ईक्यू के प्रति लगातार फोकस रखना चाहिए, तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धी को मात दे दी, विजय निश्चित हो गई, लेकिन प्रतिस्पर्धी अगर गिर गया तो मैं अपना विजय की चिंता किए बिना उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ में पहुंच जाता हूं, तुरंत उसको खड़ा कर देता हूं, मैदान में हूं, हार जीत का फैसला होने वाला है, लेकिन मेरी मानवीय संवेदना कहती है अरे छोड़ो खेल, वो गिर गया है, मैं पहले उसकी मदद कर दूं। वो ईक्यू आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए।